नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स, मैं हूं पल्लवी। बाजार शिखर पर आ चुका है, नए लेवल्स टच कर रहा है, लेकिन बाजार पर चर्चा करने से पहले आज के हॉट स्टॉक्स में खास क्या है इस पर नजर डाल लेते हैं। 8950 के करीब है निफ्टी, तेजी में आकर आप खरीदें या फिर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। साथ ही केन वेदांता डील को शेयरधारकों की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, निवेशकों को इस डील में क्या मिला ये आपको बताएंगे, और कल के लिए कौन से हैं वो 20 शेयर जो आपको देंगे जबरदस्त मुनाफा, ये आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं बाजार की। शुक्रवार की तेजी आज भी जारी रही बाजार में, अनुमान से कमजोर यूएस जॉब्स डेटा के बाद फिलहाल अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की जो संभावना है काफी हद तक कम हो गई, जिसके बाद बुल्स आज एक्शन में नजर आए। आज निफ्टी 50 के मार्केट कैप में लगभग 72,000 करोड़ का इजाफा दिखा। इंट्राडे में निफ्टी ने 8950 का स्तर भी पार किया और ये स्तर 5 मार्च 2015 के बाद निफ्टी ने पहली बार पार किया है। अगर हम पिछले 5 कंसेक्यूटिव सेशंस को देखें तो निफ्टी में लगभग 300 अंकों की बढ़त रही है। सेंसेक्स ने भी इंट्राडे में 29,000 का स्तर पार किया और 29,013 का एक नया 50 रुपी खाइश हुआ, जिसके बाद करीब 450 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 1.5% तेजी के साथ 28,978 के लेवल्स पर बंद हुआ। ये स्तर भी 13 अप्रैल 2015 के बाद सबसे ज्यादा अब आज देखने को मिला है। बाजार की इस तेजी में जो अहम रोल रहा वो बैंकिंग और ऑटो का रहा। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI का काफी मेजर आज की तेजी में रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा SBI अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो इंट्राडे में 20,000 का स्तर भी उसने क्रॉस किया। निफ्टी बैंक लगभग 550 अंकों की तेजी के साथ 20,426 पर बंद हुआ है। ऑटो शेयरों ने भी जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। टाटा मोटर्स अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर आज क्लोज हुआ। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प अब तक के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुए। आज पेन स्टॉक्स और मेटल्स में भी अच्छी तेजी रही है। BSE के सभी इंडेक्स आज हरे निशान में क्लोज हुए। अब देखना यह होगा कि आने वाले कुछ दिनों में क्या फर्दर ट्रिगर्स हो सकते हैं और बाजार किस तरफ जाता है। बाजार के कुछ जानकारों से भी हमने बात की, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से लिक्विडिटी की फ्लो है और जिस तरह से कि डोमेस्टिक फैक्टर्स का समावेश हो रहा है, इन दोनों फैक्टर्स के कारण हमारे ख्याल से बाजार की जो नियर टर्म हाई थी 9000 पॉइंट की, उसके टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो कंसर्न है बाजार में वो है ग्लोबल फैक्टर्स है और वो समय समय पे उभर के आते रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में इस मोमेंटम में बाजार में तेजी की संभावना ज़्यादा है, मीडियम टर्म में ग्लोबल फैक्टर्स के कारण कुछ कंसर्न्स होने की संभावना है। ओनली स्पेस यू ऑलवेज लाइक इज अ रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, मिसाल के तौर पर अशोक बिल्डकॉन है, IRB इंफ्रा है, सद्भाव इंजीनियरिंग है। देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत ही एक एग्रेसिव टारगेट लगाया है कि 40 किलोमीटर पर डे का रोड लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से इनके जो ऑर्डर बुक्स है बहुत अगले 1-2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसका डायरेक्ट फायदा इट विल कम टू दिस कंपनीज और विद इन देम आई थिंक जो फेरी लो डेट कंपनीज है, जैसे सद्भाव का फिर भी डेट काफी ज्यादा है, लेकिन आप अशोक बिल्डकॉन और IRB देखोगे तो इनके डेट लेवल्स काफी कम है, इनके एग्जीक्यूशन काफी बढ़िया है और आई थिंक इनका ऑर्डर बुक भी काफी रॉबस्ट है। तो ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं, IRB और अशोक बिल्डकॉन, जिनको आई थिंक विद इन द रोड्स हम काफी पॉजिटिवली देखते हैं। जी, तो बाजार के कुछ जानकारों की आपने राय सुनी और TS हरिहर ये मानते हैं कि फिलहाल इंफ्रा पर काफी ज्यादा फोकस है सरकार का, ऐसे में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्होंने अपने पिक्स भी बताएं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। आज के एक्सपर्ट इम्तियाज कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आज जिन नए लेवल्स को टेस्ट किया है बाजार ने, आपका उस पर रिएक्शन चाहेंगे। फिलहाल US में जो एक्टिविटी हो रही है ब्याज दरों को लेकर, एटलीस्ट सेप्टेम्बर में तो अब टल गया कि अब फिलहाल रेट हाइक नहीं होगी, लेकिन अब देखना होगा कि आगे दिसंबर में किस तरह का मूव वहां से आता है फेड रिजर्व की तरफ से। क्या नए लेवल्स आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, वेरी गुड इवनिंग। नो डाउट हमने काफ़ी अच्छा एक लेवल देखा और आज तकरीबन सिंस मॉर्निंग हमने मार्केट को वन वे अपसाइड पार्टिसिपेशन में देखा, तो मेरे ख्याल से जो एक जो ऊपर की जो स्तर है मेरे ख्याल से 9000 के लेवल को मेरे ख्याल से कल छू सकता है और मार्केट उसके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ी सी तकरीबन 9050-9060 के आसपास मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ मोमेंटम पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल से ये तेजी थोड़ी सी और स्ट्रेच हो सकती है तकरीबन 9050 तक। इनफैक्ट अगर हम स्पेसिफिक पॉकेट्स की बात करें तो बैंकिंग से काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है निफ्टी बैंक पर, आपके क्या कमेंट्स हैं इम्तियाज? देखिए, मेरे ख्याल से नॉट टुडे, बट ये जितनी भी रैली चली है तकरीबन
जो 85 की निफ्टी थी और वहाँ से जो ये आज तकरीबन 8,900 जो एक हमने 400 पॉइंट की रैली देखी है, ये पूरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मेरे ख्याल से ये पूरा हैवी पैक बैंक निफ्टी की तरफ से आया है पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे हम देखेंगे एक्सिस बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक, SBI, जितने भी अगर हम बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें जो कुछ महीने पहले एक डाउनग्रेडेड स्ट्रैटेजी में थी, एक डाउनग्रेडेड पोर्टफोलियो में था, आज वो सब उभर के आउट परफॉर्मर बन चुके हैं। मेरे ख्याल से PNB में काफ़ी अच्छी एक रैली हमने देखी है, तो एक सारा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से, तो मेरे ख्याल से नो डाउट यहाँ से और स्ट्रेच हो सकता है। हमने बैंक निफ्टी को एक अच्छे लेवल पे देखा हुआ है अभी यहाँ पे, मेरे से एक 200-300 पॉइंट की और एक रैली दे सकते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में है मार्केट। मैं दोहराना चाहूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में, अगर कोई एक आध दिन कोई ड्रिप आती है, कोई डैमेजेस आता है या कोई करेक्शन आता है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए मार्केट में। राइट, चलिए अब कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। सबसे पहला SMS हमें मिला है विजय की तरफ से, लखनऊ से इन्होंने भेजा है। VIP इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है, ऑलमोस्ट 1200 स्टॉक्स इनके पास, 129 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम VIP आपको कैसा लगता है? इन्होंने जिन स्तरों पर खरीदा है हल्का नुकसान इनको हो रहा है 2 रुपये प्रति शेयर का, क्वान्टिटी इनके पास लगभग 1200 स्टॉक्स की है और आज के सेशन में ऑलमोस्ट 1.5% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करें तो VIP इंडस्ट्रीज में क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल अपनानी चाहिए? देखिए नो डाउट भाव से थोड़ा जो इन्होंने प्राइस खरीदा है वो प्राइस से स्टॉक्स नीचे है, बट अभी भी पॉजिटिव प्ले है अभी भी स्टॉक्स में, और मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव प्ले कंटिन्यू रहेगा। अगर थोड़ा सा स्टॉक्स और थोड़ा सा तकरीबन करेक्ट होता है 123-124 के जोन में मिलता, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग करना चाहिए और उनको एवरेज करना चाहिए। क्लियर 120 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए, और मेरे ख्याल से अगर 120 रुपीज़ जब तक स्टॉक इनके ऊपर है मेरे ख्याल से 135-136 ये रेंज में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जी। तो इन स्तरों पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर दूसरे दर्शक हैं, बलजीत सिंह दिल्ली से जुड़े हैं। नमस्कार बलजीत जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। बलजीत आप सुन पा रहे हैं? चलिए सवाल इनका SMS के जरिए भी मिला है हमें और L&T की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स इनके पास। जी बलजीत जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम सुन पा रहा हूँ मैडम जी। L&T आपने किस भाव पे खरीदा है और अगर आप बता पाए? 1500 की है मैडम, सोच रहे हैं मैं बस। ऑलराइट, और कितने टाइम के लिए आप इसे रखना चाहते हैं और ओनली कब से होल्ड कर रहे हैं? 5-6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। और कितने टाइम पहले खरीदा है आपने ये? पीछे 15-20 दिन हो गए। ठीक है, ओके, रिसेंट खरीदे जी। ऑलराइट, रिसेंटली परचेज किया है, इनकी खरीद 1500 के आसपास है और 1516 आज की क्लोजिंग रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिहाज से अगर बात करें तो क्या लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर कोई स्टॉप लॉस इन्हें लगाना हो तो कहाँ पर आप सजेस्ट करेंगे इम्तियाज? देखिए थोड़ा सा इनको टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, नेक्स्ट वीक फिर भी ठीक है एक, बट अगर थोड़ा सा ये एंटायर मंथ की अगर हम ये रेंज की बात करें तो थोड़ा सा इनको लिक्विडिटी और जनरेट करनी पड़ेगी। आज का जो क्षेत्र में तकरीबन L&T ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया एंटायर गेन में, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकता है स्टॉक्स में। अगर ये थोड़ी सी डिक्लाइन आती है स्टॉक्स के अंदर तकरीबन 1480 या उसके नीचे, तो मेरे ख्याल से बाइंग करना चाहिए स्टॉक्स में। अभी भी पोटेंशियल है कि ये ऊपर में 1600 के लेवल को सरपास कर सकता है इस सितंबर सीरीज में, तो मैं इनको यही कहूँगा कि यहाँ पे बने रहिए। अगर डिक्लाइन मिलता है तकरीबन 1460-1480 वहाँ पे एवरेज करिए, 1428 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में 1600 के टारगेट के लिए वेट करिए जी। तो 1600 तक के स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ अमित कुमार जो कि यमुनानगर से हैं। अमित गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? अमित आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम जी। अमित नमस्कार, अपना सवाल पूछे। हाँ जी मैम, रिलायंस लिए हुए 1070 में मैम, 500 शेयर लिए हैं, क्या करें मैम? अगर आप बता पाए कितने समय के लिए आपने रिलायंस खरीदा है, आपका होराइजन कितना है? 2 मंथ के लिए। ओके, और 1070 के आसपास आपकी खरीद है। ऑलराइट, इम्तियाज इनके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इस लिहाज से लॉस हो रहा है, लेकिन उतना बड़ा लॉस क्वांटम उसे नहीं माना जाएगा। अगर जैसे उन्होंने बताया 2 मंथ्स का नज़रिया है इनका, तो स्टॉप लॉस आप इन्हें सजेस्ट करें ताकि इनका लॉस कम से कम हो। देखिए जैसे मैंने L&T के ऊपर कहा, मैं रिलायंस के ऊपर भी यही कहूँगा कि आज जो गेंस हुआ इनमें से जो हाई बीटा स्टॉक्स है, जैसे हम रिलायंस की बात करें, L&T की बात करें, ONGC की बात करें, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। हो सकता है आज इनका दिन न था, बट आने वाले दिनों में इनका दिन होगा।
मेरा मानना है कि रिलायंस में 990 रुपये का स्टॉप लॉस लगाई है। अगर ये स्टॉक्स जब तक बहुत क्लोज प्राइस है, ये बहुत क्लोजली मैं बोलना चाहूँगा 990 रुपये का, अगर ये स्टॉक इसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर लीजिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर नहीं जाता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से वापस से रिवर्स होगा और ऊपर में वापस से इनके जो प्राइस है बाइंग एवरेज उसके क्लोज वापस से स्टॉक्स नजर आ सकता है। बस ज़्यादा मैं एग्रेसिवली कोई टारगेट नहीं देना चाहूँगा, बट जो इनकी बाइंग प्राइस है 1072 और रिसेंटली जो टॉप मारा 1074 उसके आसपास आ सकता है, वहाँ पर ये एग्जिट ले सकते हैं। जी, तो आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है इसलिए क्लोजली उसके आसपास ही आपको लगता है, अगर 1074 के लेवल्स दोबारा अगर ये टेस्ट करता है तो वहाँ से एग्जिट करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगला सवाल SMS के जरिए है और ये सवाल हमें भेजा है भावनगर से उपेंद्र सिंह ने। आइनॉक्स विंड पर इनका सवाल है, ऑलमोस्ट 2000 स्टॉक्स इनके पास, 455 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। आइनॉक्स विंड इस पर सलाह क्या होगी इम्तियाज? हालांकि इनका नजरिया क्लियर नहीं है लेकिन अगर फिर भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से समझा जाए क्योंकि इनका लॉस काफी ज्यादा है। 455 इनकी खरीद है और आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 6% नीचे 180 के लेवल्स पर हुई है, क्या करना चाहिए फिलहाल? देखिए आइनॉक्स विंड का तकरीबन अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक 12 से 15 सेशन में यहाँ पे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी है और एक गिरावट कंटिन्यू है, कोई भी लेवल पे यहाँ पे बॉटम फिशिंग या बॉटम बाइंग नज़र नहीं आ रही। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि अगर हो सके तो यहाँ पे तकरीबन अगर कोई भी एक बाउंस आता है तकरीबन 200 रुपये के आसपास वहाँ पे एग्जिट ले लीजिए। स्टॉक्स में डेली चार्ट और इंट्राडे चार्ट और दो जो लॉन्गर टर्म चार्ट है मेरे ख्याल से यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। जी, तो बहुत अट्रैक्टिव इन लेवल्स पर नहीं लग रहा है एक्सपर्ट को, ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं, फर्दर आपका नुकसान ना हो इससे बेहतर होगा इन लेवल्स पर आप एग्जिट कर सकते हैं। आज भी ऑलमोस्ट 6% तक की गिरावट 180 के लेवल्स पर आइनॉक्स विंड का स्टॉक क्लोज हुआ है। अगला सवाल भी हमें SMS के जरिए मिला है और ये भेजा है राहुल ने, कानपुर से पूछ रहे हैं एपटेक के बारे में। 500 स्टॉक्स इनके पास, 110 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदे हैं, इन स्तरों पर करना क्या चाहिए? एजुकेशन स्टॉक्स की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी रैली आई थी और आज भी ऑलमोस्ट 145 पर यह क्लोज हुआ है, आज भी लगभग 7.5% की तेजी इसमें रही है। क्या ऐसे में फिलहाल एपटेक से निकल जाना बेहतर होगा या आपको लगता है अभी ट्रेंड थोड़ा मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है और आगे भी जारी रहेगा? देखिए तकरीबन स्टॉक्स डबल हो चुका है एक शॉर्ट टर्म होराइजन में, कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से कुछ नॉट मोर देन दैट बट महीना डेढ़ महीने पहले स्टॉक 68 रुपीज़ के आसपास था और तकरीबन अभी ये ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ क्लोज आ चुका है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो यहाँ से डबल हो चुका है आपका। तो मैं यहाँ से सलाह ही दूंगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जो मुनाफा है अपने घर में लेके जाइए। और राज डिहाई पर क्लोज हुआ है एपटेक ऑलमोस्ट 145 के लेवल्स पर, फिलहाल आपने अच्छा मुनाफा कमाया है इसलिए आपको निकल जाने की ही सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है संपत जो कि गुवाहाटी से जुड़े हैं। नमस्कार संपत, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग जी, मेरे पास L&T इंफोटेक का एक लॉट IPO है, तो मेरा एक साल का इरादा है रखने का, अभी क्या ये तो नीचे ही जा रहा है तो मेरा सवाल था कि इसको रखे या निकल जाए। ओके, चलिए, एक साल का नज़रिया है आपका और ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कहेंगे, 652 आज की क्लोजिंग रही है, 700 पर इनकी खरीद है। L&T इन्फोटेक हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और इन स्तरों पर आपको कैसा लगता है इम्तियाज और क्या स्ट्रैटेजी आप इन्हें अपनाने को बताएंगे? देखिए IPO आने के बाद स्टॉक्स में कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे नज़र नहीं आया यहाँ पे और तकरीबन देखेंगे हम यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक बिकवाली की सलाह ही यहाँ पे बनते आ रही है। बट एक सलाह यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है 638, 639, 640 में से 640 रुपये के स्टॉपलेस से यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए, 638 के स्टॉपलेस होल्ड करना चाहिए। अगर आने वाले दिनों में ये 638 के नीचे जाता तो मेरे ख्याल से उनको एग्जिट लेना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए। अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से जो फॉल आता है उसका पूरा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है और स्टॉक हो सकता है कि 700 रुपये के ऊपर वापस से जा सके। तो एक ही सलाह होगा 638 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। जी, तो 630 के लेवल्स को क्लोजली वॉच करें, वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, इसमें फर्दर अगर कोई उछाल आता है उसको भी आप क्लोजली देखें। आज की क्लोजिंग लगभग 100% ऊपर हुई है। लेकिन अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो दिन भर हमने आपको रेकमेंड किए जी बिजनेस पर और आपने वहां पर अच्छा मुनाफा भी कमाया। अंशु मेरी सहयोगी मौजूद है ऐसे कुछ स्टॉक्स लेकर, अंशु बताइए।
जी शुक्रिया। आज दिन भर हमने अपने दर्शकों को तमाम ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड किए थे जिनमें उन्हें निवेश करके मिल सकता है जबरदस्त रिटर्न, और ऐसे ही तीन शेयर मैं आपके लिए चुनकर लेकर आई हूँ जिन्होंने जिनमें दर्शकों ने निवेश किया है और पाया है जबरदस्त रिटर्न। पहला शेयर होगा सुनील हाईटेक का। ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। खरीदारी की सलाह दी गई थी 189 के टारगेट्स के लिए, और इस शेयर ने अपने टारगेट सुपरसीड करते हुए आज के सत्र में करीब करीब 20% का रिटर्न दिया है। मेरा अगला शेयर भी फास्ट 50 से ही होगा, गॉडफ्रे फिलिप्स है हमारा अगला शेयर। ये शेयर भी हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। खरीदारी की सलाह दी गई थी 1360 के टारगेट्स के लिए, अपने टारगेट अगेन सुपरसीड करते हुए इस शेयर ने आज के सत्र में करीब 5% का रिटर्न दिया है। और मेरा आखिरी शेयर होगा हमारा आज का सुपर शेयर, यानी कि अजमेरा रियलिटी। ये शेयर हमने सुबह 9:30 बजे सुपर शेयर के तौर पर अपने दर्शकों को खरीदारी के लिए रिकमेंड किया था, और आज के सत्र में करीब करीब 4.5% का इस शेयर ने रिटर्न दिया है। जी शुक्रिया अंशु बताने के लिए। वो तमाम स्टॉक्स जहां पर अच्छा मुनाफा हमारे दर्शकों ने कमाया है, और इनफैक्ट टॉप 20 में भी शुक्रवार को आपको सुनील हाईटेक का शेयर बताया गया था, जहां आज 20% के सर्किट पर शेयर क्लोज हुआ है। लेकिन अब वक्त हुआ है अगले टॉप 20 जाने का, यानी कि कल के बाजार में वो 20 चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। आज का पहला स्टॉक रहेगा ल्यूपिन, यहां पर खरीदारी की जा सकती है 1580 के लेवल्स के लिए। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1530 का। कंपनी की जो रफ फ्लो कैप्सूल है उसके लिए USFDA की आंशिक मंजूरी मिली है, ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है, तेजी आगे भी जारी रहने का अनुमान है। अगला स्टॉक है इन्फोएज। ग्रीन लीव्स कंज्यूमर में अतिरिक्त निवेश करने जा रही है कंपनी, और ग्रीन लीव्स में लगभग 6 करोड़ की राशि कंपनी निवेश करेगी। एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए, 880 के लेवल जिसमें टेस्ट की संभावना है, और यहाँ पर 830 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तीसरा स्टॉक है रेडिंगटन, चर्चा में भी है। iPhone 7 और iPhone 7 Plus का कल लॉन्च होने जा रहा है। iPhone 7 की कीमत लगभग 53,000 से शुरू हो सकती है, वहीं iPhone 7 Plus की कीमत 61,000 से शुरू होगी। रेडिंगटन क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूटर है तो इसका फायदा रेडिंगटन को पहुंचेगा। 120 के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है, 114 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। अटलांटा कल के लिए ये हमारा चौथा स्टॉक होगा, शेयर में तेजी आगे भी जारी रहने का अनुमान है, और आर्बिट्रेशन नियमों में जो बदलाव हुआ है उसके बाद कंपनी को करीब 1200 करोड़ मिलने की उम्मीद है। कुल 1600 करोड़ की आर्बिट्रेशन राशि कंपनी को मिलेगी, कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर। आज लगभग 19% की तेजी अटलांटा में देखने को मिली है, कल के सेशन में भी 77 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। 73 का एक स्टॉप लॉस आपको इसमें मेंटेन करना होगा। अगला स्टॉक है DCW, कंपनी के Q1 का नतीजे कल आएंगे और नतीजों में मजबूती का ही अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन में एक अच्छा उछाल आने की संभावना लग रही है, आप यहां पर बाय कर सकते हैं 31 के लेवल्स के लिए, लेकिन 29.5 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा अगला स्टॉक है येस बैंक, शेयर अब तक के उच्चतम स्तर पर आज क्लोज हुआ है, आगे भी ये तेजी जारी रहने का ही अनुमान है। इनफैक्ट बैंकिंग पैक ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है जिसका फायदा येस बैंक को भी होगा। 1480 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 1435 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां मेंटेन करना होगा। अगला स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट, शेयर में कई दिनों से तेजी जारी है और आगे भी ये मोमेंटम जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां पर 551 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 32 का। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स आपको बताते हैं। अगला स्टॉक है मदर सन सुमी, कारोबार के आखिरी मिनटों में जबरदस्त खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली। ऑटो एंसिलरी स्पेस पूरा आज बज कर रहा था, शानदार बढ़त उसमें रही और इसका फायदा मदर सन सुमी को भी मिला है। आज के सेशन में अच्छा मोमेंटम दिखा, आगे भी मोमेंटम अच्छा जारी रहने का अनुमान है। 331 के लेवल्स कल टेस्ट हो सकते हैं, 320 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर मेंटेन करना होगा। चेन्नई पेट्रो हमारा अगला स्टॉक है कल के लिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर जो दबाव है वो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है और इसका फायदा इस स्टॉक को पहुंचेगा। 314 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 302.2 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। सिग्नेट इंडस्ट्रीज ये अगला स्टॉक है, 10वां स्टॉक आज आपको हम बता रहे हैं कल के लिए। शेयर आज दिन की ऊंचाई के करीब क्लोज हुआ है, मोमेंटम कल भी जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर 41.5 के लेवल्स के लिए खरीदारी करनी होगी, 39.6 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। हमारा 11वां स्टॉक है आर्किट प्लाय, प्लाईबोर्ड शेयरों में अच्छी तेजी रही और लगातार दूसरे हफ्ते भी इसमें खरीदारी देखने को मिली है। यहाँ पर आप टारगेट्स मान सकते हैं 54 के, यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 49.8 का। अगला स्टॉक है ABB का, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। निचले स्तरों से शेयर में एक पुल बैक देखने को मिला है, कल दिन के ऊपरी स्तरों पर ये क्लोज हुआ था, यानी कि शुक्रवार पिछले सेशन में ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ और आगे भी मोमेंटम स्ट्रांग रहने का अनुमान है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 2% का गेन यहाँ पर देखा था। 1192 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1168 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अगला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर, सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है और लगातार दूसरे हफ्ते भी इसमें खरीदारी देखने को मिली है। 1640 के लेवल्स के लिए आप बाय कर सकते हैं, 1608 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। OCL इंडिया
हमारा अगला स्टॉक है। शेयर अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर क्लोज हुआ है और 7 महीने से अगर मोमेंटम देखें तो लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। आज भी लगभग 6% के गेंस के साथ ओसियल इंडिया क्लोज हुआ है। कल के सेशन के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपको रखना होगा 905 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 870। अगला स्टॉक है क्वालिटी, यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 2014 के उच्चतम स्तर के करीब शेयर आज क्लोज हुआ है और अंतिम चरण में इसमें जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। कल के सेशन में यहां पर बाय कर सकते हैं। टारगेट आपको मेंटेन करना होगा 131 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 126। आज के सेशन में लगभग 5% की तेजी इसमें देखने को मिली है। अगला स्टॉक है ट्राइडेंट का। टेक्सटाइल शेयरों में आज तेजी रही, अहम एवरेजेस के सपोर्ट को लेकर स्टॉक पलटा और कल के सेशन में 56 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 52 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। कैनरा बैंक हमारा अगला स्टॉक है। 2016 के उच्चतम स्तर पर आज स्टॉक क्लोज हुआ है। बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी है और जिसका फायदा कैनरा बैंक को भी मिलेगा। आज भी 2% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। कल के सेशन में 292 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 285 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अगला स्टॉक है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का, यहां पर भी खरीदारी की सलाह है। डेली चार्ट्स पर 50 और 100 डेमो को पार किया है स्टॉक ने। शॉर्ट टर्म आवली चार्ट्स पर भी बेहद मजबूत लग रहा है स्टॉक। यहां पर आपको खरीदारी करनी है 280 के लेवल्स के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 267 का। रेलिगेयर में आज लगभग 6% तक की तेजी देखने को मिली थी। अगला स्टॉक है इंडियन होटल्स का। 3 दिनों की गिरावट के बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आज शेयर ने दिखाया है। डेली चार्ट्स पर भी सभी मूविंग एवरेजेस को पार किया है स्टॉक ने। आज के सेशन में अच्छा मूवमेंट यहां पर देखने को मिला है और कल के दिन भी 137 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। साथ ही स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 132 का। आखिरी स्टॉक कल के लिए होगा सिंप्लेक्स इंफ्रा। यहां पर शेयर बीते 3 दिनों से जोरदार तेजी इसमें देखने को मिल रही है। आज के सेशन में 5% से ऊपर इसकी तेजी रही इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पर भी देखें तो एक अच्छा मूव देखने को मिला है। 355 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं लेकिन 340 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये वो 20 स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी है कल के सेशन के लिए। लेकिन कुछ और खबरों पर रुक लेते हैं। केन और वेदांता डील को शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। वेदांता ने केन इंडिया के साथ मर्जर की शर्तों में बदलाव के बाद शेयरधारकों से मंजूरी मांगी थी और आज हरी झंडी मिली है वेदांता बोर्ड से। सौदे को पहले ही मंजूरी मिल गई थी लेकिन केन इंडिया के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को लुभाने के लिए नया ऑफर लाया गया था। नए ऑफर में अगर हम बारीकियों पर नजर डालें तो केन इंडिया के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को 1 शेयर पर 4 प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट होंगे। वहीं जो निवेशक है उन्हें 1 शेयर के बदले वेदांता का 1 शेयर मिलेगा। नए ऑफर में प्रेफरेंशियल शेयर की मियाद 18 महीने होगी और 7.5% तक का डिविडेंड दिया जाएगा। मर्जर के बाद वेदांता की जो हिस्सेदारी है 62.9 से घटकर 50.1% हो जाएगी। काफी अटकलें इस डील को लेकर रही हैं, इसलिए इम्तियाज एक कोई कमेंट आपका चाहेंगे। कल की ओपनिंग में वेदांता में किस तरह की तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस वक्त ये बोर्ड ने अप्रूव की थी तो काफी हद तक ये लग रहा था कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो इस डील को अटका सकते हैं क्योंकि जो शेयर रेशियो तय किया गया था उससे कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं थे। संभव वेदांता पे काफी ज्यादा डेट है और ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि जो केन के पास जो कैश है वो वेदांता के डेट को रिड्यूस करने में यूज हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि अप्रूवल मिल गया है शेयर होल्डर्स की तरफ से तो कल किस तरह की ओपनिंग आप देख रहे हैं वेदांता में? देखिए मैं अगर दोनों स्टॉक को अगर टेक्निकली अगर देखूँ तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगा बिकॉज दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे टेक्निकली काफ़ी साउंड पोजीशन पे है और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा अपसाइड के यहाँ पे नज़र है। तो मेरे ख्याल से कल जो भी हो मार्केट में बट मेरे ख्याल से दोनों के लिए एक पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। जी तो दोनों के लिए पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। आज के सेशन में वेदांता ऑलमोस्ट 7.25% की तेजी के साथ 174 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है और केन इंडिया भी आज हरे निशान में ही क्लोज हुआ है। लेकिन कल देखना होगा कि बाजार खुलने के बाद किस तरह का असर इस दोनों ही स्टॉक्स में रहेगा।